हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ अफशा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बकरीद स्पेशल रेसिपी, खड़े मसाले का गोश्त। ये रेसिपी आप एक बार बनाएंगे तो दोबारा ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं ये रेसिपी कैसे बनती है। तो ये खड़े गोश्त के इंग्रेडिएंट्स हैं। खड़े मसाले के गोश्त की रेसिपी बनाने के लिए हमें सबसे पहले गोश्त चाहिए। ये 1 किलो मटन का गोश्त है। आप गोश्त बड़े का भी ले सकते हैं, बच्चे का भी ले सकते हैं, चिकन का भी ले सकते हैं। ये छोटा सा टुकड़ा अदरक का है जिसे हमने कूट लिया है। 7 से 8 लहसुन की जवें हैं, इसे भी हमने कूट लिया है। थोड़े से अदरक के स्लाइस है कटे हुए। 1 मुट्ठी हरा धनिया है कटा हुआ। आधी प्याली दही है। 6 से 7 लाल साबुत मिर्चें हैं जिसके हमने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। ये गरम मसाले हैं। 2 तेज़पात के पत्ते हैं, 1/2 टेबल स्पून जीरा है, 2 बादियन के फूल हैं, 12 से 13 काली लौंग है, 3 से 4 छोटे छोटे दालचीनी के पीस हैं, 10 से 12 काली मिर्च है, 3 हरी इलायची है, 4 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया है, 1/2 टेबल स्पून भुना कुटा जीरा है, 2 लार्ज साइज़ की प्याज है, इसे हमने पतले स्लाइस में कट कर लिया है, 4 से 5 टमाटर है, इसे भी हमने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है, 1 टेबल स्पून नमक है, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च से कलर अच्छा आता है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी है। तो एक प्रेशर कुकर में हमने 200 ग्राम सरसों का ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। जब ऑयल तेज़ गर्म हो जाएगा तो हम सारे गर्म मसाले डाल देंगे। जब गर्म मसाले थोड़े चटक जाएंगे तो गोश्त भी ऐड कर देंगे। तो ऑयल के साथ गोश्त को 5 मिनट तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। फिर ऐड कर देंगे प्याज, साथ में जाएगा टमाटर। तो इसको हम 6 से 7 मिनट पकाएंगे जब तक टमाटर और प्याज सॉफ्ट ना हो जाए। तो प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं तो अब हम ऐड करेंगे नमक, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च। तो इसे हम चलाएंगे और 5 मिनट तक गोश्त को मसाले के साथ पकाएंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं इसे पकते पकते। इस स्टेज पे हम कुटा हुआ लहसुन अदरक ऐड कर देंगे, साथ में ऐड करेंगे लाल और हरी मिर्च, कुटा हुआ धनिया, भुना जीरा पाउडर। इन सब को चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ गोश्त गलाने के लिए 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। एक बार और चला देंगे और इस स्टेज पे आप नमक टेस्ट कर सकते हैं। प्रेशर कुकर को लीड से कवर कर देंगे और हाई फ्लेम पे 2 सीटी ले लेंगे। फिर लो फ्लेम करके 30 मिनट तक पकाएंगे और जब प्रेशर रिलीज हो जाएगा तो इसे खोल के देखेंगे। तो इस स्टेज पे गोश्त चेक कर लेंगे। तो गोश्त गल चुका है। तो इस स्टेज पे हाई फ्लेम करके अब हम इसे भूनेंगे। तो 5 मिनट इसे भूनने के बाद इस स्टेज पे हम दही ऐड कर देंगे, 1/2 लेमन जूस ऐड कर देंगे। अगर आप लोगों को थोड़ा खट्टा पसंद हो तो आप लेमन जूस डालें, वरना स्किप कर दें। तो इस मसाले को अब हमें अच्छे से भूनना है। इस स्टेज पे हरा धनिया और अदरक के स्लाइस ऐड कर देंगे। चलाते हुए इसे मिक्स कर लेंगे। मसाला यहाँ हमारा अच्छे से भुन चुका है। अगर आपको और ड्राई करना है तो आप इसे और पका सकते हैं। मसाला भूनते हुए 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, आप देख लीजिएगा। तो इस स्टेज पे हम गैस ऑफ कर देंगे। तो हमारा खड़े मसाले का गोश्त बनके तैयार है। तो अब हम सर्व कर लेंगे। आप इसे घर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, तंदूर की मोटी वाली रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ऊपर से थोड़ा गार्निश कर देंगे थोड़ा हरे धनिया और अदरक से। तो देखिए ये बहुत लाजवाब बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है और ये ड्राई बनता है।
इसमें ज़्यादा पानी नहीं डलता, तो ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें, सबको बहुत पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। अब हम मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।